कांग्रेस पार्टी को पता नहीं क्या हो गया है। देश में सिखों को बांटने का काम किया है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने किया है। सिखों का कत्लेआम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कोई वोट दे अथवा न दे, भारतीय जनता पार्टी सिख समुदाय के सदैव साथ खड़ी रहेगी। जो देना होगा परमात्मा देगा। इस धरती पर कोई नहीं है जो कोई किसी को दे दे। बहने भाइयों, देता है तो परमात्मा देता है, चाहता है तो छप्पर फाड़ के देता है। और कांग्रेस पार्टी को पता नहीं क्या हो गया है, झूठ मनगढ़ंत बातें। उस कांग्रेस पार्टी के नेता भारत की धरती पर नहीं, दुनिया के दूसरे देशों की धरती की पर जाकर वो बराबर बोल रहे हैं। अभी अमेरिका में जाकर उन्होंने कह दिया, लड़ाई इस बात पर है कि क्या सिखों को भारत में कड़ा पहनने की अनुमति है कि नहीं है, सिखों को भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति है या नहीं है, क्या सिख भारत में गुरुद्वारा जा सकेंगे या नहीं है। लड़ाई इस पर है और यह सभी धर्मों के लिए है। यह राहुल गांधी ने कहा। मैंने भाइयों, सिखों को लेकर जो झूठ पाकिस्तान की आईएसआई नहीं बोल पाई वह कांग्रेस आई के नेता बोल रहे हैं। कितने बड़ी बिंदत है। भारत में सिख संप्रदाय का क्या योगदान है, मैं घंटे डेढ़ घंटे में भाषण दे सकता हूं। बहनों भाइयों, भारत में सिख कम्युनिटी का योगदान जो है भारत की संस्कृति को बचाकर रखने में, उसे भारत कभी भूल नहीं सकता। मुझे तो वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह जी बादल का भी यह सौभाग्य प्राप्त रहा है। बहुत छोटा था भाई उनसे, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र की भी अंतिम सार्वजनिक सभा जो चुनाव की होती थी, बादल साहब मुझे ही बुलाते थे, क्योंकि कई बार सिख समुदाय, सिख समाज के इतिहास के बारे में उनके साथ हमारी चर्चा हुई थी। बराबर इसी झूठ को दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह भाजपा झूठ का सहारा ले रही है, उन्हें चुप कराने के लिए बेताब है। यह तो आसमान की तरह हालत उनकी हो गई है, जैसे आसमान की तरह मुंह उठाकर कोई थूकने की कोशिश करे। आसमान की तरह मुंह उठाकर थूकने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। मेरे बहनों भाइयों, इस देश में सिखों को बांटने का काम किया है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने किया है। सिखों का कत्लेआम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद को बेलगाम किसने छोड़ा तो कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि झूठ इतना भी न बोले बोलो कि भविष्य में सच का तुम सामना ही न कर सको। सरकार का जहां तक प्रश्न है, हमारी सरकार ने सिख करतारपुर साहिब गलियारा बनवाया, सिखों को बदनाम करने वाली ब्लैक लिस्ट को समाप्त किया। इतना ही नहीं, सिख विरोधी दंगों के शिकार दंगा पीड़ितों के आंसू पोंछने का काम हम लोगों ने किया। और मैं बता देना चाहता हूं, कोई वोट दे अथवा न दे, भारतीय जनता पार्टी सिख समुदाय के सदैव साथ खड़ी रहेगी। जैसा मैंने कहा कि हम केवल वोट बनाने के लिए, वोट पाने के लिए हम राजनीति नहीं करते हैं, हम देश बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं। सिख विरासत का हमारा सवाल है, दुनिया भर में प्रचार पहली बार किसी सरकार ने किया है तो मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय एनडीए की सरकार ने किया है। गोपाल जी, इसमें कांग्रेस संकट में है, कांग्रेस गंभीर संकट में है, क्योंकि उनका जो विभाजनकारी एजेंडा है वह पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। इसलिए बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कार्यकर्ता हो या वोट मांगते हो, आप समर्थक हैं या वोट मांगते हो, तो आपको शायद अनुमान नहीं होगा आप बहुत बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हो। चुनाव है नहीं तो मैं कह देता, हमारे जैसे लोग तो मानते हैं कि ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं।
कुछ पाने की हविश नहीं, जो देना होगा परमात्मा देगा। इस धरती पर कोई नहीं है जो कोई किसी को दे दे। बहने भाइयों, देता है तो परमात्मा देता है, चाहता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।